नमस्कार, यह है युवाओं का शो करियर मार्गदर्शन। हम फिर हाजिर हैं। मैं आसिफ सिद्दीकी, मेरे साथ में आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं कर्मवीर विद्यापीठ खंडवा के प्राचार्य श्री संदीप भट्ट सर। आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले दो एपिसोड से बात कर रहे हैं एजुकेशन क्षेत्र में करियर बनाने की, हमने पहले प्राइमरी और मिडिल की बात करी, उसके बाद में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करी, आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की। उच्च शिक्षा में किस तरह नौकरियां मिल सकती है, इससे लेकर हम इससे संबंधित हम बात करेंगे भट्ट सर से। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और हम चाहेंगे कि इस फील्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें आप हमारे दर्शकों को। देखिए आसिफ जी, जैसे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में करियर पर बात करते हुए पिछले दो एपिसोड में आए हैं, और आज देश भर में जो उच्च शिक्षा का, बल्कि देश भर में क्या, विश्व भर की बात हम करेंगे कि पूरी दुनिया में जो हायर एजुकेशन का जो सेक्टर है बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। भारत जब आजाद हुआ तो देश में उस समय 2.1 लाख विद्यार्थी थे, कोई 20 विश्वविद्यालय थे, और देश भर में लगभग 500 कॉलेजेस थे। आज मैं आपको बताऊं 911 से ज्यादा विश्वविद्यालय पूरे देश भर में हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विश्वविद्यालय हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और हजारों हजार कॉलेजेस हैं हमारे देश में। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लगभग 500 से अधिक, मेरे ख्याल से तकरीबन 518 शासकीय महाविद्यालय हैं। उसके अलावा 74 जो है अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं, और उसके अलावा लगभग 31 जो है हमारे यहाँ शासकीय विश्वविद्यालय हैं, और 30 से अधिक जो है हमारे यहाँ निजी विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश राज्य में मौजूद है। बड़ा आंकड़ा है सर, मतलब बड़ा आंकड़ा, हर लिहाज से बड़ा है ये, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो करियर के लिहाज से भी आप देखिए कि क्षेत्र उतना ही ज्यादा विस्तृत होता है, भारत हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कोई दूसरा राज्य हो, करियर के लिहाज से हायर एजुकेशन एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जहाँ मेरे ख्याल से युवा साथी एक बेहतर भविष्य की तलाश कर सकते हैं। हाँ सर, जैसा आपने बताया कि मध्य प्रदेश में ही इतने सारे विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, तो ये भी ज़रूर है कि इनके लिए उतनी ही नौकरियां भी निकलती होंगी। एक बहुत अच्छा वेतनमान इन नौकरियों में होता है, इनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के तमाम सारे पद होते हैं। तो सर, इस क्षेत्र में कौन कौन से पद सृजित होते हैं, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, उच्च शिक्षा में जब हम जाते हैं तो यानी सामान्यतः हमारे दिमाग में कॉलेज आते हैं कि कॉलेज में जो प्राध्यापक हैं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल से जो भर्ती होती है किस तरीके से होती है। अलग अलग राज्यों में इसकी प्रक्रिया अलग अलग है आसिफ जी। जी सर, ज़्यादातर राज्यों में लोक सेवा आयोग जो वहाँ के होते हैं उन लोक सेवा आयोगों द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर भर्ती की जाती है। मध्य प्रदेश में भी जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा सहायक प्राध्यापक की भर्ती होती है। अभी पिछले दो तीन साल पहले मेरे ख्याल से उसकी भर्ती हुई भी है। अलग अलग जो महाविद्यालयों में विषय होते हैं, परंपरागत तौर पर कॉलेजों में अगर हम देखेंगे तो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, विज्ञान में भी आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो एक लंबी रेंज है सब्जेक्ट्स की। उन तमाम विश्वविद्यालयों में, सॉरी तमाम कॉलेज में अलग अलग विषयों में लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती होती है। दूसरी जो बात है, दूसरे जो सेंटर्स हैं यानी यूनिवर्सिटीज की बात अगर हम करते हैं तो यूनिवर्सिटीज अपने स्तर पर भर्ती निकालती हैं प्राध्यापकों की, सहायक प्राध्यापकों की और एसोसिएट प्रोफेसर जिनको हम सह प्राध्यापक कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भर्ती की प्रक्रिया अलग अलग है। कई जगह राज्यों में यानी स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसकी भर्ती भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है कई जगह। फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या विश्वविद्यालय वक्त जो संस्थान है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वे भी अपने तरीके से अपने स्तर पर भर्तियां करती हैं। तो समय समय पर उच्च शिक्षा में भर्तियां हमेशा प्राय प्राय साल भर चलती रहती हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में सीधी भर्ती भी निकाली जाती है। ज्यादातर मामलों में विश्वविद्यालयों द्वारा जो उनके यहाँ प्राध्यापकों के पद है वे विज्ञापित किए जाते हैं और फिर उसके बाद में उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन भी कई जगह विश्वविद्यालयों में दिए जाते हैं, और कुछ मामलों में, अधिकतर मामलों में यह कहना चाहिए कि वो साक्षात्कार लेते हैं, और साक्षात्कार के बाद जो उनको मेरिट में अभ्यर्थी सुटेबल लगते हैं तो उनका चयन सीधी भर्ती के द्वारा कर लिया जाता है। जी जी। सर, ऐसा आपको ऐसा ध्यान है कि अभी निकट भविष्य में कहीं इस तरह की कोई भर्तियाँ निकलने वाली हैं? देखिए, चूँकि कॉलेजेस, जैसे हम बात करते हैं कॉलेज लेवल एजुकेशन की, तो कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो हायर एजुकेशन में जो भर्तियाँ निकलती हैं वो कॉलेजेस में ही निकलती हैं। तो कॉलेजेस में अभी हमारे यहाँ तकरीबन 2-3 साल पहले मेरे ख्याल से भर्तियाँ निकली थी और लोगों की नियुक्तियाँ प्रक्रिया जारी भी थी, लेकिन जिस अनुपात में भर्तियाँ होती हैं वो पूरा नहीं है। उससे कई ज़्यादा लोग रिटायर भी होते हैं और रिटायर होने के बाद पद रिक्त होते हैं। तो समय समय पर जो उच्च शिक्षा विभाग है, जैसे मध्य प्रदेश का है या किसी और राज्य का है,
तो वहाँ पर शिक्षकों की भर्तियाँ विभाग की आवश्यकता के अनुसार लोक सेवा आयोग कराते हैं। मेरे ख्याल से अभी निकट भविष्य में शायद हो सकता है कि, या मैंने देखने में भी आया था, राजस्थान या कई अन्य प्रदेशों में इस तरह की भर्तियाँ चल रही हैं, और निकट भविष्य में भी उच्च शिक्षा में कॉलेजेस पर तो भर्तियाँ चलती ही रहती हैं। सर, इसमें बहुत सारे कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में भी निजी सेक्टर के हैं, तो निजी सेक्टर में भी इसका काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। हाँ, विषय विशेषज्ञों के क्या होता है आसिफ जी की, जो जैसा आपने प्राइवेट कॉलेजेस की बात की, तो प्राइवेट कॉलेजेस भी दो तरीके के हैं। एक तो गवर्नमेंट एडेड है, जहाँ शासन जो है उनको वित्तीय सहायता जी, उत्तर कॉलेजेस से बात करिए आपने, और उसके बाद में दूसरे कॉलेजेस वे हैं जो विश्वविद्यालयों से, सरकार के विश्वविद्यालयों से एफिलिएटेड होते हैं, लेकिन शासन से किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता, स्ववित्त से चलते हैं। लेकिन उन कॉलेजेस में भी भर्ती होने के लिए, बतौर सहायक प्राध्यापक काम करने के लिए, बतौर प्राध्यापक काम करने के लिए, आपको जो UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि एक नियामक संस्था है पूरे देश भर में उच्च शिक्षा के संस्थानों के लिए, उस UGC द्वारा निर्धारित मापदंड पूरे करने के बाद में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वे ही असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के बतौर वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के कॉलेजेस की संख्या बहुत ज्यादा है आसिफ जी। हाँ, तो इसकी कोई संख्या है इसे आपके ध्यान में, मध्य प्रदेश में कितने हैं? पूरा डेटा तो मेरे पास में नहीं है इसका, लेकिन ये समझिए कि अगर 518 हमारे पास शासकीय कॉलेजेस हैं, तो उससे 2 या 3 गुना हमारे पास में निजी कॉलेजेस है। हाँ, और उसके क्षेत्र अलग अलग जिलेवार क्षेत्रवार आप देखते हैं कि आजकल तो आलम ये हो गया प्राइवेट सेक्टर का कि प्राइवेट विश्वविद्यालय भी ज्यादा है, तो प्राइवेट कॉलेजेस तो आप समझिए कि अंदाज लगाइए कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अवसर बहुत है हमारे यहाँ, और अभी भी बहुत दूर दराज के इलाकों में कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस लिहाज से प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा हमारे देश भर में खुल रहे हैं या खुले हुए भी हैं, तो वहाँ भी लोगों के लिए जो खास करके हायर एजुकेशन को एम बना करके करियर तलाशते हैं साथी, वे जा सकते हैं। सर, जो निजी महाविद्यालय होते हैं वहाँ पर नौकरी के लिए वो शायद समय समय पर वैकेंसीज निकालते हैं, या वहाँ पर डायरेक्ट भी संपर्क किया जा सकता है? देखिए, हाँ ठीक कहा आपने, वे विज्ञापन तो निकालते ही हैं अमूमन, जैसे कॉलेजेस का एकेडमिक सेशन शुरू होता है जून या जुलाई में होता जी, है जुलाई तो है। मार्च के बाद से या अप्रैल के बाद से वैकेंसीज निकलना हायर एजुकेशन के प्राइवेट कॉलेज के लिए शुरू होता है, लेकिन उनके पास में समय समय पर पद रिक्त होते रहते हैं जी। तो उनकी वेबसाइट पर जाकर के आप जो है, जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर के आप अपना CV या रिज्यूमे छोड़ सकते हैं, उनको एक कवर लेटर लिख करके आप बता सकते हैं कि साहब मेरी ये योग्यता है, मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए, आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड हूँ, और उसके बाद में मेरी रुचि शिक्षण में है, तो वे कैंडिडेट्स को व्यक्तिगत तौर पर कॉल करके भी बुला लेते हैं। ये माना जाता है कि सरकारी कॉलेजेस में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बहुत अच्छा वेतनमान होता है जी, जी। तो क्या इसी के समतुल्य वेतनमान निजी कॉलेज वाले भी देते हैं? हाँ, ये भी एक बात, चूँकि वेतन तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि हर अभ्यर्थी ये चाहता है कि मेरा वेतन भी जो है अच्छा हो, तो सरकारी सेक्टर का जो कॉलेज है वहाँ पर तो वेतनमान बहुत अच्छा है, 7वां वेतन आयोग जो है उसके हिसाब से आपको वेतन दिया जाता है, लेकिन निजी कॉलेज में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं या निजी यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसी हैं जो अपने विज्ञापन में इस बात को लिखती हैं, मार्क करती हैं कि हमारे यहाँ वेतनमान जो है 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही दिया जाता है, बल्कि वहाँ पर तो यह भी सुविधा होती है कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन में कि अगर आप अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो आपको उस वेतन से अधिक वेतन दिए जाने की भी अनुशंसा समिति करती अच्छा, है अच्छा। तो ज्यादा वेतन हाँ। कई बार मिलता है आपको, रहने की काबिलियत के हिसाब से बिल्कुल उसमें रहने खाने की सुविधा भी आ जाती है, रहने खाने की सुविधा भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इस तरह का नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से जुड़ जाते हैं और आपका अनुभव होता रहता है तो शिक्षण के क्षेत्र में आगे जाकर के आपका वो अनुभव भी जुड़ता है। उच्च शिक्षा में सर, हम मध्य प्रदेश या देश की बात के अलावा, आप जैसे हमारी शुरू में बात हो रही थी जी, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसमें काफ़ी स्कोप है, बिल्कुल, तो वो उन स्कोप को कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए हमारे स्टूडेंट क्या करें ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने सही बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आसिफ जी, जी। हमारे देश के अलावा दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर एजुकेटर्स की जरूरत है, खास करके हायर एजुकेशन में, वहाँ पर हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से अच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊं, कई सारे कंसल्टेंट्स हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंट्स हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे हायर एजुकेशन की वेबसाइट है, टाइम्स एसेंट की वेबसाइट है, टाइम्स जॉब्स की वेबसाइट है, टाइम्स हायर एजुकेशन की वेबसाइट्स हैं, तो आप उनमें देखेंगे तो दुनिया भर में जहाँ पर ग्लोबल जॉब्स हैं हायर एजुकेशन में, दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर इस तरह की वांट्स निकलती हैं और हमारे यहाँ के विद्यार्थी वहाँ अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ से किसी ने MA किया, MPhil किया, उसके बाद वो PhD करने के लिए या पोस्ट डॉक फेलोशिप के तहत विदेशों में चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं या US चले जाते हैं, UK चले जाते हैं,
तो वहाँ पर जाकर के जब वो पोस्ट डॉक करते हैं, रिसर्च का प्रोग्राम करते हैं किसी भी तरीके का, तो उसके बाद में वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वहीं उनको नौकरियाँ भी मिल जाती हैं और फ्रेश एप्लीकेशंस भी इस तरीके से होते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर भी आसिफ जी, हायर एजुकेशन का जो सिनेरियो है, उच्च शिक्षा का जो परिदृश्य है, करियर के लिहाज से हमारे भारतीय युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन है। भाषाई बाध्यता तो इसमें आती होगी, इसमें शायद अंग्रेजी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता होगा। बिल्कुल, क्या होता है, हाँ ये ठीक कहा आपने, जहाँ भाषा की बात है, जैसे खास करके आपने मान लीजिए अगर आप हिंदी टीचिंग के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश टीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ तो आपको इंग्लिश या हिंदी आनी जरूरी है। लेकिन दूसरा विश्वविद्यालय में दूसरे विषय का अगर आप अध्यापन करने के लिए विदेशों की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर खास करके जैसे वियतनाम है या गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी वे लोग जो है ना आपकी भाषाई दक्षता देखते हैं कि आपका अंग्रेजी का जो उच्चारण है और अंग्रेजी में आप कितने दक्ष हैं बोलने में और लिख पाने में। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से देश ऐसे हैं, जैसे मैंने गल्फ कंट्रीज का अभी जिक्र किया, वहाँ पर अगर आपको जैसे अरेबिक आती है अंग्रेजी और हिंदी के अलावा, क्योंकि टीचिंग की मेथोडोलॉजी उनकी जो है अरेबिक में है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अरेबिक है, तो अरेबिक भाषा आती है तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। तो इस तरह का वो जिस भी देश में संवाद की जो भाषा है उस भाषा का ज्ञान होना भी मतलब साथ में जरूरी है, एडवांटेज है जी, एडवांटेज। मैं तो ये कहूँगा एक सबसे ज़रूरी सवाल इसमें यह होता है सर, उच्च शिक्षा में अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके क्या मापदंड रखे गए या तय किए गए हैं? हाँ, ये योग्यता का निर्धारण जैसे UGC हमारे यहाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके द्वारा ये है कि जो साल भर में उसकी दो बार पहले होती थी, अभी भी मेरे ख्याल से दो बार ही है, कोविड काल के कारण से शायद अभी नेट की परीक्षा होने वाली है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट का जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य भी अपने स्तर पर सेट की परीक्षाएं कराते हैं यहाँ से जी, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेट का एग्जामिनेशन कराता है, ऐसे अलग अलग राज्यों में सेट, लेकिन सेट की जो एलिजिबिलिटी है, सेट अगर आपने किसी राज्य में किया तो आप उसी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफिकेशन है नेट आपने किया है तो आप देश भर में किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अब ये भी हो गया है कि आपका अगर नेट नहीं है, आपके पास में PhD संबंधित विषय में है, तो PhD करने के बाद भी आप जो है अगर आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार PhD की हुई है किसी विश्वविद्यालय से, तो आप PhD करने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है सरकारी और निजी क्षेत्र में भारत में उच्च शिक्षा के करियर के लिए योग्यता है। लेकिन जैसे आप विदेशों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो विदेशों के लिए आपने अगर PhD संबंधित विषय में है और आपका टीचिंग का अनुभव है, रिसर्च का थोड़ा सा अनुभव है, तो अगर नेट नहीं किया तो विदेशों में आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर, PhD के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, पहले शायद ये था कि आप लंबे समय तक के कर सकते थे उसमें, अब शायद कुछ समय की बाध्यता उसमें कर दी गई है। उसका ड्यूरेशन है, कोर्स वर्क है उसमें, और कोर्स वर्क के बाद जो है पोस्ट कोर्स वर्क का जो ड्यूरेशन है उस तरीके से PhD के जो समय है और PhD का जो नियमावली है उसमें संशोधन किया गया है UGC द्वारा। और फिर क्या होता है, समय समय पर उस हिसाब से रिसर्च के जो रिसर्च आर्टिकल लिखना है या रिसर्च के सेक्टर में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी समय समय पर जो है संशोधन होते रहते हैं। सर मतलब इन नौकरियों में MPhil भी काम आता है? MPhil अभी जैसे नई शिक्षा नीति है या MPhil अभी भी है, तो MPhil आपको PhD में मदद मिल सकती है MPhil कोर्स करने के बाद। अच्छा, मतलब नौकरी में? हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे हमारे कॉलेजेस हैं या हमारे भारत में जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर MPhil करने के बाद में आपको सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, लेकिन आपको PhD करने में अगर PhD करना है तो MPhil का एडवांटेज वहाँ पर मिलता है, रिसर्च के क्षेत्र में आपको उसका एडवांटेज मिलता है। तो ये तो थी आज की हायर एजुकेशन की बात, बहुत सारे सवाल भी है हमारे पास में, सर ने काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है, शायद ये सभी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो सर हम अगला सेशन सवालों का रख लें। बिल्कुल। सर एक सवाल आया है शिव कुमार जामुनकर का, ये कह रहे हैं BEd क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, BEd जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, जैसे हमने पिछले सेशन में बात की थी कि आपको स्कूल एजुकेशन में खास करके हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल में अगर आपको अध्यापक बनना है, PGT बनना है या TGT बनना है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना है, तो उसके लिए संबंधित विषय में स्नातक के अलावा आपकी BEd की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में आपने स्कूल्स में कैसे पढ़ाना है, क्या आपके जो अलग अलग विषय होते हैं, विषय में पेडागोजी जिसको हम कहते हैं, कैसे आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, इस तरह की चीज़ें BEd में पढ़ाई जाती हैं। और ये जो है एजुकेशन में एक डिग्री है, बैचलर ऑफ एजुकेशन इसको कहते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा है। ये 12 के बाद हो जाता है? नहीं, 12 के बाद नहीं, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद ही BEd होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है एक तरीके से।
अगला सवाल है सर, प्राची यादव का, ये कह रही हैं 12 के बाद कुछ परेशानी के कारण नौकरी करना पड़ती है, तो कौन सा सब्जेक्ट 11th या 12th में करना चाहिए? असल में ये जो सवाल है शायद लड़कियों से संबंधित है, लड़कियों को शायद 11 और 12 के बाद में बिठा लिया जाता है घर पे, आगे पढ़ाया नहीं जाता है, तो ऐसी बालिकाएं क्या करें सर, इसमें थोड़ा सा वो मार्गदर्शन चाह रही है। देखिए आज जो हालांकि आजकल तो परिदृश्य बदल गया, आजकल लड़का हो चाहे लड़की हो, सब लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम घर का काम हमको करना है या छोटा मोटा सा काम करते हुए भी हमको चाहत रहती है कि हम कुछ पढ़ सकें। तो 11वीं और 12वीं में आप इस विषय जहाँ तक लेने की बात है और आप सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन आप रेगुलर नहीं पढ़ पाएंगे, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 11वीं 12वीं में आप जो भी विषय पढ़ें उसके बाद आप प्राइवेट एजुकेशन कर लें, आप ग्रेजुएशन करें, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप जो आपको घर के काम या आप जहाँ पर रोजगार करते हैं उसके बीच का जो समय आपको मिलता है उसमें अपने प्रिपरेशन कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी करते रहें, और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो, क्योंकि ज्यादातर नौकरियों में आपको स्नातक की डिग्री की आवश्यकता लगती है ना, या 12वीं के बाद भी अगर आपने तैयारी की है और 12वीं के आधार पर आप प्रतियोगी परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो जो आपकी तैयारी का समय रहेगा ये 3 साल जो आप तैयारी करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा, फिर हो सकता है कि आपको अच्छी नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाए। अगला सवाल हर्षित भास्करे का है सर, ये पूछ रहे हैं हायर एजुकेशन के बाद यदि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो क्या किया जाए? सरकारी नौकरी का तो ऐसा है कि सरकारी नौकरियां वास्तव में हर किसी को तो नहीं मिल सकती है, है ना। सरकारी क्या मैं समझता हूँ कि नौकरी जो है नौकरी शब्द ही जो योग्य व्यक्ति को ही कई बार मिलती है, अधिकतर योग्य व्यक्ति को ही मिलती है, और हर व्यक्ति नौकरी करे ऐसा जरूरी भी नहीं है। हमने कई बार कहा भी है कि आप स्वयं का रोजगार भी कर सकते, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो आप ये देखिएगा आपकी रुचि क्या है, आप करना क्या चाहते हैं जीवन में। आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो प्राइवेट में बहुत अच्छा स्कोप है, लोग करोड़ों रुपए के वेतन मान देते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ के बच्चे जो विदेशों में जाकर के, अपने ही देश में जाकर के, आप अखबारों को पढ़िए, इतनी कहानियां आपको मिलेंगी कोविड कोरोना के दौरान जितने लोगों की नौकरियां गई, उन्होंने अपना काम शुरू किया और जितना उनको वेतन मान साल भर में मिलता है उससे कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। तो निर्भर इस पर करता है आपकी अभिरुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है, और आप करना क्या चाहते हैं जीवन में, और सरकारी नौकरी किसी काम को करने के लिए आपका जुनून भी उसमें काम आता है। देखिए जुनून तो आपका होना ही चाहिए, सरकारी नौकरी में आप आ गए तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आपका उसको इंटरेस्ट से नहीं करना है या उसमें पूरा मनोयोग से वो नौकरी नहीं करनी है, काम तो आपको वहाँ भी करना है जी। तो आप अपनी रुचि को देखते हुए अपना करियर का क्षेत्र भी चयन करें, सरकारी हो या निजी हो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कविता यादव पूछ रही है सर, यदि 10th किया गया है और 12th प्राइवेट किया है तो जॉब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी संभावनाएं मिल रहती है उसमें? संभावनाएं बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने प्राइवेट, अगर 12वीं प्राइवेट से किया है तो जैसा एक रेगुलर विद्यार्थी करता है 12वीं, और उसके बाद उसके लिए जो स्कोप खुलते हैं, मान लीजिए वो SSC का एग्जामिनेशन देना है या ग्रुप 4 का एग्जामिनेशन किसी स्टेट में देना है या सेना में भर्ती होना है या किसी और जगह पुलिस में भर्ती होना है, तो उसके लिए उतने ही स्कोप है। किसी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेना है, विषय के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने विषय कौन सा लिया और उसके बाद आप करियर कौन सा देख रहे हैं। तो 12वीं जो आपका है प्राइवेट, अगर आपने उत्तीर्ण किया तो करियर की कहीं कोई बाधा नहीं है। आप बिल्कुल भर्तियां जो निकल रही हैं या निकलती हैं अलग अलग राज्यों में, रेलवे की भर्तियां हैं, बड़े बड़े जो संस्थान अपने यहाँ भर्ती कराते हैं 12वीं के स्नातक 12वीं के लेवल के, उसको आप देखते रहे, बात करते रहे, अप्लाई करें, अप्लाई करने के साथ जो है फिर आप देखिए परिणाम अच्छे आएंगे बिल्कुल। एक सवाल आज के हमारे विषय से संबंधित है, अनिल चौहान पूछ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या करना होगा? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे पहले तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या तो आपको नेट क्वालिफाई होना पड़ेगा या अगर आप नेट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको PhD रिसर्च का कोर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर जहाँ विश्वविद्यालय में या कॉलेजेस में जहाँ भर्ती निकलती है उसके बाद आपको आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए उसकी जो योग्यताएँ हैं वो आप देख रहे हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं, उतने प्रतिशत आपके अंक हैं या नहीं है, और नेट क्वालिफाई हैं या PhD क्वालिफाई हैं या नहीं है, और उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये था आज के सवालों का सिलसिला, इसे यहीं हम विराम देते हैं। उम्मीद है सर ने जो जानकारी दी है वो सभी आपको बहुत काम आएगी, तो इसी के साथ सर आपका धन्यवाद। हम जाएंगे अगले सप्ताह के लिए, कोई विषय अगर आप कोई चूज करके रखें। हम जो है अगले सप्ताह जो मैनेजमेंट एजुकेशन है, प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर है, हमने देखा कि हमारे एक समय पर मैनेजमेंट में खास करके MBA और BBA इस तरह के कोर्सेज बहुत सारे विद्यार्थी करते थे। अभी भी बहुत सारा जो विद्यार्थी, युवाओं का जो वर्ग है वो मैनेजमेंट सेक्टर में करियर को तलाश करता है। मैनेजमेंट के कोर्स करने के बाद में आपके लिए क्या स्कोप है, कहाँ से करना चाहिए, इन तमाम विषयों पर हम अपने अगले अंक में बात करेंगे। तो धन्यवाद सर, इसी के साथ ही हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का भी धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए लगातार, ये कार्यक्रम हम हर सप्ताह आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपने सवाल भी भेजिए, उसके जवाब भट्ट सर यहाँ पर आपको देंगे। थैंक यू।